రైతుకి ఇప్పుడు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ మీడియా తో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు అలైన్ చూద్దాం बढ़ते बढ़ते 30 मार्च के करीब 9.1% और इसी तरह से अधिकतम हमारे यहाँ पर 21.4% के करीब नोट की गई, लेकिन पिछले हफ्ते से कंसिस्टेंट एफर्ट्स बाय स्टेट एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हम पाते हैं कि हमारा ऑन एन एवरेज वीकली जो केस पॉजिटिव है घटते घटते 16.9% पॉजिटिव हो गई है। यह एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन जरूरी है कि इस ट्रेंड के लिए हम कंटिन्यूड एफर्ट्स फील्ड पर करते रहें। इसी के साथ ही हम देखें तो पाते हैं कि हमारे देश में पॉजिटिविटी पिछले एक्चुअली 8 दिनों से 20% से कम है। साथ ही हमारी पॉजिटिविटी अगर पिछले एक हफ्ते में देखें जो है करीब 17.56% थी, अगर हम कल के केसेस जो देश में हुए उनकी पॉजिटिविटी नोट करें तो पाते हैं वह घटकर 14.10% हो गई है। यानी कि यह जो पॉजिटिविटी 14.10% आज देश में नोट की गई है, यह करीब एक महीने बाद हमने इस स्तर पर नोट किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। और जैसे मैंने आपसे सबमिट किया है, बहुत जरूरी है कि उसी स्तर पर हमारे कार्य चलते रहें। एक और विषय हम आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहेंगे। अगर आप देखें कि हमारे देश और हमारे देश की तरह दूसरे देशों में कितने केसेस पाए गए और वह जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो पिछले एक साल चार महीने के कंटिन्यूड एफर्ट्स by the medical fraternity, by the states and districts, in coordination with the union government, we had been able to ensure कि हमारा infection फैला जरूर है, लेकिन अभी भी केवल 1.8% देश की population ही उस infection की चपेट में आई है जो कि positive पाई गई। आप इसको अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो पाते हैं कि कुछ और देशों में यह जैसे कि अमेरिका में अराउंड 10.1% population infected और positive पाई गई, ब्राजील में यह बढ़ते बढ़ते करीब 7.3% है, फ्रांस जैसे विकसित देश में भी यह 9% है, इसी तरह रशिया में 3.4%, इटली में 7.4%। तो हमारे जो एफर्ट्स फील्ड पर रहे हैं, जिसमें हमने इफेक्टिवली कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जो एफर्ट किए उसके तहत हमने इन्फेक्शन के स्प्रेड को काफी हद तक रोका है। यानी कि आज भी हमारे देश की केवल 2% पॉपुलेशन ही इन्फेक्शन या पॉजिटिव पाई गई है, लेकिन इसी के साथ एक कंटिन्यूड चैलेंज फिर हम लोगों के सामने आता है। इसका मतलब यह है कि अभी भी वल्नरेबल बोले या ससेप्टिबल बोले, करीब 98% देश की पॉपुलेशन आज भी ससेप्टिबल है। यानी कि जरूरी है कि हम किसी भी समय पर अपना एफर्ट्स, अपने जो हमारा प्रयत्न है उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी हमारे देश की काफी पॉपुलेशन अभी भी इन्फेक्शन होने के उसके चांसेस हैं। तो हम जरूरी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स पर, कंटेनमेंट से लिंक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना फोकस बनाए रखें। किसी भी तरह की कोताही फिर हमें उस सिचुएशन में ला सकती है कि जो आज हम एक रिलेटिवली पॉजिटिव ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ केस ट्रेजेक्ट्री नोट कर रहे हैं, वह फिर से बढ़ सकता है। इसी के साथ ही हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो कि मेडिकल दृष्टि से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस किया था कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में 11 स्टेट्स में हैं, वह घटते घटते अब केवल 8 स्टेट्स रह गई हैं, जिसमें से गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, उसमें 1 लाख से कम अब एक्टिव केसेस हैं। इसी तरह से 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस वाली स्टेट जो कि पिछली बार 8 थी, वह बढ़कर 10 हो गई हैं, जिसमें मुख्यतः ये 3 स्टेट जैसे मैंने आपसे अभी विनती की है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अब 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं। और साथ ही दिल्ली जो है वह 50,000 से कम एक्टिव केसेस की दृष्टि में आ चुकी है। टोटल ऐसी स्टेट जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस है वह 18 हैं। और एक मुख्य विषय यह है कि एक स्थाई पर जो एक्टिव केसेस ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी या जो स्टेट जिनसे एक्टिव केसेस या नए केसेस ज्यादा आ रहे थे, उनमें हमने ओवरऑल डिक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट किया है, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक कंटिन्यू ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्रीज इन एक्टिव केसेस भी नोट किया जा रहा है। साथ ही पॉजिटिविटी एक मुख्य अंश है जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि इन्फेक्शन का देश में स्प्रेड कैसा है और किस तरह से हमारा ओवरऑल फ्रेमवर्क इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट फील्ड पर चल रहा है।
तो उसमें देखें तो 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर अभी 15% से अधिक पॉजिटिविटी है, जो कि एक कंसर्न का विषय है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली 13 स्टेट्स हैं और एक स्टेट जहां पर 5% से कम पॉजिटिविटी है। इसमें पॉजिटिव विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना यह चाहेंगे कि एक स्थाई पर ये 22 स्टेट्स होते हुए भी हमने देखा है कि ओवरऑल 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर कि हमने डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी को नोट किया है। साथ ही जो हमारी स्टेट्स एक्टिव केस कंट्रीब्यूट करती हैं, उन 10 स्टेट्स में से 9 स्टेट में हमारी केस पॉजिटिविटी फिर से कम होती दिखाई दे रही है, एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु स्टेट जहां पर कि हमें अभी भी एक बढ़ोतरी दिख रही है। दिल्ली जैसे हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह वीकली पॉजिटिविटी 25% से घटकर अब 13.6% हो गई है। मध्य प्रदेश 24.2 से 15.2% हो गई है। इसी तरह बिहार, झारखंड, यूपी और गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी लेस देन 10% नोट की जा रही है। इस वीकली पॉजिटिविटी में एक ट्रेंड और हम लोगों के आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, मुख्यतः एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन वीकली पॉजिटिविटी हम नोट कर रहे हैं अपनी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में, जिसमें मुख्यतः मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसके तहत ये इंपॉर्टेंट है कि इन स्टेट्स में हमारे कंटेनमेंट को और सुदृढ़ किया जाए। साथ ही अगर हम देखें कि हमारी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि एक बहुत पॉजिटिव विषय है कि जहां पर एक स्थाई पर केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर इन्फेक्शन का स्प्रेड जो कि हम पॉजिटिविटी के टर्म्स में हाईलाइट करते हैं उसमें भी कमी नोट की जा रही है।